हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक और जॉब आपके लिए लेकर आया है। नायब तहसीलदार की जॉब है, 78 पोस्ट हैं। इट्स अ गुड जॉब। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो भी तहसीलदार वगैरह जो कितनी अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं, इसीलिए बहुत से बच्चे जो बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इसका जो देखे भी ओवरऑल क्लासिफिकेशन, 27 पोस्ट है हमारे पास जनरल की। मैं आपको एक अभी रिसेंटली एक पेपर भी हुआ था पंजाब जो सिविल सर्विसेज ने जो कंडक्ट किया, एंड उस पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। हेडमास्टर्स का एग्जाम था जो बहुत ही सिमिलर पैटर्न पे है, जो नायब तहसीलदार के सिमिलर पैटर्न पर है। अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना चाहिए। थोड़ा सा जो सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन हमें बहुत सारी वहां से गाइडेंस मिलती है। हमें अकॉर्डिंगली अगर हमें कोर्स बनाना है या हमें कुछ अगर पढ़ाई करनी है, कोई बुक्स फॉलो करनी है, तो हमें वो एग्जाम बहुत मदद करेगा। मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से, ठीक है दोस्तों। बिफोर दैट, जैसे आप जानते हैं कि जो अपने पीपीएससी ने कह दिया है कि विमेन के लिए रिजर्वेशन है, तो अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड, मैं बहुत सारी विमेन को अर्ज करूंगा कि इस एग्जाम को जरूर दीजिए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देख सकते हैं, पे भी बहुत ही बढ़िया पे ऑफर कर रहे हैं जो पीपीएससी वाले आपको, एंड अप्लाई करने की डेट भी दी हुई है और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगी हुई है और आपको 10th क्लास के इक्विवेलेंट जो आपके पास पंजाबी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो पीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। ओके, एंड आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की, अगर आप दो पर्टिकुलर कैटेगरी से होते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जो अपनी जो जो जितने भी आपको जो ये फॉर्म रहते हैं हार्ड कॉपी में, आपको जाके सबमिट करने होते हैं जो पीपीएससी में। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, छोटा सा ही बिल्कुल नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर हमें बात समझ आती है, अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम भी देखें तो यहां पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम, अगर पूरी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में हमें बात जो समझ आती है, तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम के हिसाब से यहां पर जो एक बिल्कुल बेसिक सी जो चीज है, That is, कि we will be asked 120 questions. दोस्तों, 120 सवालों का एक ही हमारा पेपर होगा। There will be only one exam. 120 सवालों में there will be questions, 40 questions of CSAT. ठीक है दोस्तों, जो CSAT मतलब aptitude के सवाल होंगे, and 80 सवाल हमारे पास होंगे जो कि general study से। वो उन्होंने सिलेबस में बहुत ही ओपन छोड़ दिया सिलेबस की जनरल स्टडीज है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। अब हमें डेफिनेटली पंजाब वगैरह की एक दो स्कीम्स पता हो तो एडवांटेज रहती है, एंड अगर हमने इको सर्वे कवर किया हो या पंजाब की हमने करंट अफेयर्स कवर किए हो, डेफिनेटली एडवांटेजेस हम पोजीशन पर हैं। तो लेकिन अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग मानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का ना होना, कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अगर आप मेहनत करके जाते हैं, पढ़ाई करके जाते हैं, एंड कोई बिना मेहनत बिना पढ़ाई के वहां पर आए और तुक्केबाजी करके मार्क्स ले ले, तो थोड़ा दुख होता है ना हमें। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग आइडियली होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के किसी भी एक जनरली एग्जाम में हमने देखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, आपको श्योरिटी होनी चाहिए जो आप सही आप वहां पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है, आपको और मेहनत करनी होगी नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण, ठीक है। क्योंकि जो अगर तुक्केबाजी में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ टच में रहते हैं वो यही बोलते हैं, दे ऑलवेज रू दिस फैक्ट कि नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको अपने जो गेम थोड़ी अप करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, ठीक है। 180 हम जो 120 सवाल हैं एंड 40 जो एप्टीट्यूड के, 80 जीएस के, अकॉर्डिंगली 2 घंटे मिलते हैं हमें अटेम्प्ट करने के। तो अभी एग्जैक्ट जो पैटर्न वगैरह हमें और पता लग जाएगा आने वाले टाइम में। तो फरवरी में कह रहे हैं एग्जाम है 2021, तो फरवरी 2021 बहुत दूर नहीं है, तो रैपिडली कवर करना होता है। एंड एक और बात अगर आपको जो बात जो दिमाग में रखनी चाहिए, जो भी इंसान जो पीसीएस देने के एलिजिबल है वो ये वाला एग्जाम भी पक्का देगा। तो जो आप पीसीएस या फिर आप देखें मान के चले यूपीएससी, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इस लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इनसे कॉम्पीट करना है, क्योंकि पोस्ट तो हमारे पास 70, 75, 78 पोस्ट हैं, एंड ये वाले बच्चे भी आपके पास आके कम्पीट कर रहे हैं। अगर आप भी इस लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गेम को अपने इंक्रीज कीजिए, अपने जो लेवल को बढ़ाइए, ताकि 120 सवाल हमें जो 2 घंटे में कवर करने हैं, ये 120 सवाल हम 2 घंटे में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। ताकि लेट्स से अगर मैं 100 सवाल मुझे बिल्कुल श्योरली आ गए थे एंड मैंने एकदम अच्छे से अटेम्प्ट किए, लेकिन 20 सवाल मुझे थोड़े से जो डाउटफुल थे, तो मुझे कैसे उसमें बेस्ट गेस करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो गेस तो करना ही पड़ेगा, तो मैं कोई सवाल तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने लेवल रेज करना है, जो मैं आपको एक हेडमास्टर वाला एग्जाम भी दिखाता हूँ कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा हम समझ पाएंगे। एंड
हम आने वाले टाइम में तैयार जो सोच रहे हैं कि हम उस एच को पूरे जो इसको हम सॉल्व भी कर देंगे पूरे के पूरे पेपर को, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड से कुछ सवाल हैं एवरेज के जो हम सी सैट में कवर करते हैं, एंड देन उसके बाद अगर हम देखें कि जो स्टैंडर्ड अरिथमेटिक है वो है ना, तो मैं इन सवालों पर नहीं जा रहा, तो क्योंकि ये इससे आपको इस सी सैट का लेवल है, ये थोड़ा सा बेसिक की तरफ है और मैं कहूं कि आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो लेकिन जैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कीजिए इसमें, एंड थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल भी हैं, है ना, ये भी हमें करने पड़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। और उसके बाद अगर हम आगे जिसको हम क्यूब कटिंग, जो फेसेस होते हैं ऑफ द क्यूब्स, ये स्टैंडर्ड से हमें जो जो ट्रिक्स टेक्निक सीखनी चाहिए उसकी बात है। देन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी हैं, तो डीआई है ना, ये हमें हिंट दे रहा है। दिस इज हेडमास्टर्स का एग्जाम, जो अगर आपको जो पंजाब सरकार अगर हेडमास्टर बनाती है तो उसका एग्जाम है, लेकिन हम मान के चले नायब तहसीलदार का एग्जाम इससे थोड़ा लेवल अप होगा, तो इसीलिए थोड़ा हमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। डीआई में जो क्वेश्चन है हमें रैपिडली सॉल्व करने हैं, मुश्किल सवाल नहीं है, आई रिपीट मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन स्पीड बना के रखनी है। एंड एक बात का ध्यान रखना कि अगर मुश्किल मेरे लिए नहीं है तो मुश्किल आपके लिए भी नहीं है, एंड इसीलिए लेवल जो कंपटीशन बढ़ जाता है, नेगेटिव मार्किंग ना होने से कंपटीशन और बढ़ जाता है ये। देन अगेन डीआई का आप सवाल देख सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, इसकी अकॉर्डिंगली हमें प्रिपरेशन चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंगली टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। एंड देन आप इसके बाद देखें अगर यहाँ पे जो थोड़ा सा जो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो जाती है, उसके बाद सेक्शन बी आ गया, एंड यहाँ पर जैसे ये बेसिक साइंसेस के क्वेश्चन, लाइट के चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन जो थोड़ा पंजाब की हिस्ट्री से क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद जो क्रैकलिंग साउंड जो चार्ज के कारण जैसे जो हम सुनते हैं, एंड देन जो भारत सरकार की स्कीम है टॉप्स जूनियर स्कीम किसकी स्कीम है ना, तो हमें जानना पड़ेगा। जो देन अगेन बेसिक साइंसेस का क्वेश्चन, बेसिक साइंसेस का क्वेश्चन, चैंपियंस जो सेक्टर स्कीम एक हमारे जो बहुत ऑफन हम कवर करते रहते हैं लेक्चर्स में, देन सिकल सेल अनीमिया किससे कॉज होता है। इट्स नॉट ऐसे बिल्कुल पैदल एग्जाम नहीं है, बट इट्स नॉट वेरी टफ, हमें हमें डाइवर्स तरह की चीजें पता होनी चाहिए। देन जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसकी बात हो रही थी, जैसे अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे कि इतना न्यूज में था, तो भांग गांजा हैशिश, तो इसके बारे में बात हो रही है, तो कौन से प्लांट से निकलते हैं, है ना, वहां जाके एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपने बहुत अखबारों में पढ़ा भी था तो वी कैन गेट कंफ्यूज कि अच्छा अरे हेम्प से था या पॉपी से था या किससे था। ओके देन जीरो थैलमिया क्या कहलाता है, डीडीटी एटसेट्रा, है ना, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन कौन रहते हैं, चेयरपर्सन कौन रहते हैं, सिलिकोसिस, तो ये एक बार सवाल देखिए, रीजन असर्शन, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम में जाके। यू डू नॉट वॉन्ट टू ऐसे बी शॉक्ड कि अरे रीजन असर्शन ये क्या पूछ लिया मुझसे, साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन नामक चीज क्या है। रीजन असर्शन वाले सवाल आपने देखे कि रीजन सही है असर्शन सही है, दोनों को मैच करते हैं नहीं करते हैं। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास जो रीजन असर्शन के अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा ऑन द बेसिक जो इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं, सवाल हमें जानने जरूरी है इंग्लिश के जो जो क्वेश्चन है ये, लेकिन अब ये जो ऐसा शायद पंजाबी नहीं पूछी जाएगी नायब तहसीलदार में, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। एंड देन अगेन बैक टू आवर जो स्टैंडर्ड जीएस की जो बाइडन की इलेक्शन की बात हो रही है, कमला हैरिस इस पे सेपरेट वीडियोस बनाकर डाले हुए, पनीनी पतंजलि वो कह रहे हैं कौन सा जो किंगडम चल रहा था, ठीक है, एंशियंट इंडिया में कौन से डायनेस्टी के अंदर काम करते थे, इट्स नॉट अ टफ वन, ठीक है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए विजयनगर कहाँ पर है, जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस थी जिसमें तीनों में से इनमें से किसने अटेंड करी, है ना, आप सवाल देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा किसने प्ले लिखा, दीज आर नॉट इजी क्वेश्चन, लेकिन अगेन अगर हमने सुना होगा इनके बारे में तो आसान हो जाते हैं, हम स्टैंडर्ड जो तैयारी करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस तरफ सवाल इसीलिए दिखा रहा हूँ कि हमें जैसे विनोबा भावे ने कहाँ से शुरू किया था अपना जो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था, है ना, पौनार पौनार पढ़ते हैं हम तो पौनार से शुरू किया था, तो ये सभी देखते रहिए सवाल। और एंड देन पेपर गोल्ड किसको कहा जाता है, पेपर गोल्ड इतनी बार पढ़ा दोस्तों, इस बार यूपीएससी ने भी सवाल पूछा इसी लाइंस पर, एसडीआर को कहते हैं क्या कि नहीं कहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। टोबिन टैक्स एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, अपने लेक्चर्स में कवर करते हैं। इसीलिए अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं एक बेसिक सी बात कि अगर हमें अपना लेवल रेज करना होगा, वी जस्ट कांट बी लाइक कि हमें कि हम अगर ऑल राइट कि पेपर नायब तहसीलदार के बेसिक लेवल एग्जाम आएगा, नो नो नो, लेवल हमें रेज करना होगा, क्योंकि दो कारण है इसके। पेपर में एक तो हमने देखा कि अगर इसके थोड़ा सा अगर मैं मान के चलूं हेडमास्टर्स वगैरह के जो एग्जाम है, चाहे हम इक्विवेलेंट भी मान के चलें इफ नॉट लेस, तो वहां पर क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं, दे आर गुड क्वेश्चंस। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस अच्छे पूछे कि क्वेश्चन बहुत डाइवर्स सेट से पूछे गए हैं, बहुत डाइवर्स जगहों से,
हिस्ट्री भी है, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर भी है, वहां पे मिडिवल इंडिया दिखता है हमें, वहां पे हमें बेसिक साइंसेस दिखती हैं, हमें इकोनॉमी दिखती है, इकोनॉमी की स्कीम्स दिखती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का जो सेट है डाइवर्स है, मेहनत करनी होगी, थोड़ा वक्त कम है तो रैपिड मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन का डाइवर्सिटी दिखती है हमें, लेवल रेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगेन मेरा एक स्टैंडर्ड सा दुख, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लोग तुक्केबाजी करेंगे, आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, ठीक है। लेवल रेज करना होगा, 1 लाख, 1,20,000, 80,000 के आसपास, जो कुछ भी है ना, मान के चलिए 1 लाख के आसपास बच्चे अगर इस पेपर में अपीयर होते हैं। और क्योंकि बहुत से एक ना जैसे थोड़ी एक ऐसा ना, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम पीसीएस का एग्जाम तो क्रैक ही नहीं कर सकते, बहुत से लोग अपीयर नहीं होते, ग्रेजुएट होते हैं लेकिन वो पेपर देना चाहते ही नहीं पीसीएस का। एट द सेम टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमने ग्रेजुएशन की है, हम कुछ और जॉब देखते हैं, तो वो नायब तहसीलदार का एग्जाम डेफिनेटली देने आएंगे। तो इसीलिए एक्सपेक्ट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड टाइम फ्रेम कम है, दोनों एग्जाम जैसे सी सैट एंड जीएस एक ही पेपर में है, तो अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू रेज योर गेम। एंड देन एक और अगर फैक्टर निकाले तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ सॉर्ट आफ्टर जॉब, ठीक है, नायब तहसीलदार। एंड अगर आप मान के चले कि जो एक अपने इलाके में तो नायब तहसीलदार की बहुत रुतबा रहता है एंड नोन पर्सनैलिटी होता है अपने इलाके में, तो बहुत ब्यूरोक्रेसी में रीच हो जाती है आप, जैसे अगर आप देखें द वे आवर गवर्नमेंट फंक्शंस, आपको अगर गवर्नमेंट में अगर आपको किसी की पहुंच है तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी देयर। तो इसीलिए ये सभी चीजों को कि किन किन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, क्वेश्चन का सेट बहुत डाइवर्स है, तो लेवल रेज करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आराम से जाएंगे पेपर क्रैक करके आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट। एंड देन इसी के रिगार्डिंग एक हमने बहुत ही बेसिक सा, जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब सरकार हर एक अपने एग्जाम की कॉस्ट 3,000 रुपए रखती है, तो हमने डिसाइड किया कि हमने बहुत सारा कॉन्टेंट क्रिएट किया हुआ है, बहुत सारा कॉन्टेंट, ठीक है, तो उसमें जैसे जीएस एंड एप्टीट्यूड का मिलाकर हमने कोर्स बना दिया एंड हमने उसकी कीमत पंजाब सरकार से 1 रुपया कम रखी, ठीक है। 2,999 का कंप्लीट कोर्स है जिसमें वीडियोस हैं एंड हम आपको पूरे के पूरे वीडियोस डे वन पर अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। 4th of January से आपका ये कोर्स शुरू हो रहा है 2021, पूरे के पूरे वीडियोस आपको डे वन पर अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप अपनी स्पीड के हिसाब से रैपिडली खत्म कीजिए, ठीक है। अदरवाइज हम यूपीएससी एक्सेट्रा के जो कोर्सेज चलाते हैं उसमें एक शेड्यूल रहता है, ये शेड्यूल के हिसाब से नहीं आएंगे दोस्तों, एक दिन में ही आपको सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा पहले ही दिन, तो आपको रैपिडली कवर करना है। मैं तो आपको बोलूंगा 30-35 दिन दीजिए, पूरा कंटेंट देख दीजिए, सुबह से शाम वीडियो चलाइए। एंड देन दोस्तों एंड अगर आप चाहते हैं टेस्ट अलग से टेस्ट देना तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप 3499 वाला जो हमारा एक कोर्स है जिसमें जीएस भी है आपकी, सीसैट भी है आपका एंड देर आर टेस्ट, ठीक है दोस्तों, 6 कंप्लीट टेस्ट हैं नायब तहसीलदार के। दोस्तों अब हम बहुत डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, हमने बहुत से कोर्सेज बना लिए, हिमाचल का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, हिमाचल का कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम हरियाणा का कोर्स लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट कमिंग वीक में। एंड देन देर आर अदर कोर्सेज फॉर जैसे जो अदर, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी पीसीएस पे फोकस्ड हैं लेकिन बहुत सी ऐसी डाइवर्स जॉब्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आईबी जो हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ की जॉब है, 2,000 वहां पे पोस्ट की बात हो रही है। एंड देन दोस्तों ये ऐसे छोटे 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 लगती हैं हमें ये ओपनिंग्स, लेकिन दीज आर वेरी गुड जॉब्स एंड अकॉर्डिंगली यू शुड डेफिनेटली टारगेट देम। तो ये जो दो कोर्सेज हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर जाकर आप कंसिस्टेंटली चेक कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, sleepyclasses.com। बहुत टाइम से हम बहुत सारे हम जो कोर्सेज निकालते आए यूपीएससी पीसीएस पे फोकस था, थोड़ा डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट तो है इन कोर्सेज की, लो कॉस्ट कोर्सेज भी चाहिए एट द सेम टाइम टॉप क्वालिटी कंटेंट चाहिए। जब हमारे जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होना शुरू होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले कभी हिमाचल का कोर्स नहीं बनाया था लेकिन हिमाचल में स्टूडेंट सिलेक्ट होते चले गए, टॉप रैंक्स भी आए, सिंगल डिजिट रैंक्स आने शुरू हो गए, तो वहां से हमें फीडबैक आना शुरू होता है कि आप प्लीज कोर्स बनाइए क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे हिमाचल के कोर्स की पर्टिकुलरली मैं आपको बता सकता हूं, इतनी वहां पर जो हमें जो फीडबैक आता था कि प्लीज कोर्स लॉन्च कीजिए, हिमाचल में हमारे पास कोई पढ़ने के लिए ऐसे कोई खास कोई ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं है एक्सेट्रा, तो हमने पूरा कोर्स बनाया, हमने उस पर टाइम स्पेंड किया क्योंकि क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों को पैसे लेकर क्वालिटी इंश्योर नहीं कर रहे तो दैट्स नॉट अ गुड डील, ठीक है, वो आप अच्छा काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर खरीदने जाता हूं और मैंने वहां पैसे पे किए और मुझे वो रेफ्रिजरेटर ठंडा ही नहीं करता, तो इट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज टू मी, है ना, मैंने क्यों पैसे पे किए। तो इसीलिए एक इससे अगर मैं इसको ट्रांजेक्शन भी समझू, इफ स्टूडेंट्स आर पेइंग अस, पहली बात तो है इट शेल बी वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड सेकेंडली
जो हमारे अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड देखें, इट शेल बी ऑफ गुड क्वालिटी। जस्ट आप किसी को ऐसे ही पे मत कीजिए कि क्योंकि जस्ट बिकॉज की कोर्स है, पे बिकॉज क्वालिटी विल बी डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा अटेम्प्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ इसको साझा करें, एंड जो नई नई जो कोर्सेज बनाए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये कोर्सेज पहुंचे, एंड अटेम्प्ट कीजिए इस एग्जाम को। और इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, एंड अगेन लेवल आसान नहीं है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स कौन लॉन्च करता है बताइए, कौन लॉन्च करता है? ठीक है दोस्तों, तो सोच के, एक एक सवाल नहीं है दोस्तों, दीज आर मल्टीपल क्वेश्चन, यूपीएससी पैटर्न पर है। एनईपी 2000 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी नेशनल लेवल पे, जिसके भी अभी हमने हमने डिस्कशन भी डाले था अभी यूपीएससी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, पांच स्टेटमेंट्स। तो ये पांच क्वेश्चन इतना एक सवाल में आपसे पूछा गया है, तो यू शुड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट दोस्तों, तो एक यही बस अटेम्प्ट हमारा कि आपके साथ आपको राइट जो थोड़ा डायरेक्शन में ओरिएंट करें, एंड आप मेहनत करें, मेहनत करने के लिए आपको पुश करें, एंड उसके बाद थोड़ा उम्मीद करें ना भगवान से कि हमें अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। जो कोर्सेज के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन पे है, एंड वेबसाइट पर तो अवेलेबल ही है, sleepyclasses.com पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने वीडियोज में। बाय बाय, टेक केयर।